मौजूदा हुकूमत ने कंस्ट्रक्शन और बिल्डर से मुंसलिक आवाम या रोजगार के गले के ऊपर ग्रैंडर मार दिया है। 35% मटेरियल कॉस्ट के अंदर इजाफा हुआ, चाहे वो लकड़ी है, चाहे वो टाइल है, चाहे वो सीमेंट है, चाहे वो सरिया है। इस टाइम ओवरऑल 35% कंस्ट्रक्शन कास्ट बढ़ गई है पिछले 6 महीने के अंदर। और इस टाइम जितना भी पाकिस्तान के अंदर कंट्रैक्टर है, बिल्डर है, वो अपनी बिल्डिंग्स को, घरों को, प्रोजेक्ट्स को तकमील की तरफ नहीं ले जा पा रहे। मेरी हुकूमत पाकिस्तान से गुजारिश है, बल्कि अवाम से गुजारिश है कि खुदारा ऐसी हुकूमत को लेके आए जो कि अवाम को, मजदूरों को और इन लोगों को सपोर्ट दे, ना कि ऐसे जो आज माशी कत्ल चल रहे हैं। 22 अलाइड इंडस्ट्रीज जो कि इस कंस्ट्रक्शन से अलाइड इंडस्ट्री थी, 22 इंडस्ट्रीज बर्बाद होने जा रही हैं, जिसमें टाइल वाली इंडस्ट्री है, जिसमें स्टील वाली इंडस्ट्री है, जिसमें सीमेंट वाली इंडस्ट्री है, रेत बजरी की इंडस्ट्री है, इलेक्ट्रॉनिक की इंडस्ट्री है, सारी इंडस्ट्रियाँ इस टाइम, मजदूर तबका बर्बाद हो चुका है, तबाह हो चुका है, सरिया कितना महंगा हो चुका है, महंगाई कितनी बढ़ चुकी है। और इस टाइम जो बिल्डर है, कंस्ट्रक्टर कंट्रैक्टर है पाकिस्तान के अंदर, वो अगर उसने कोई एग्रीमेंट किया था काम का, आज वो एग्रीमेंट नहीं पूरा हो पा रहा, उसकी वजह से कंस्ट्रक्शन कॉस्ट महंगी हो गया। अल्लाह पाक इस मुल्क पर रहम करे और अल्लाह पाक हमें को ऐसा हुक्मरान दे, को ऐसे लोग दें जिससे ये मुल्क आगे जाए। अस्सलाम वालेकुम।